हाय गाइस, हम लोग इस समय जिम कॉर्बेट में हैं, रामनगर में। और इधर ही जहाँ हमारा रिजॉर्ट है उससे ही थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और हम लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं थे। और आज मॉर्निंग में आयान हमारे पीछे पड़ गया कि हम माउंटेन्स में आए हैं, मुझे प्लीज़ रिवर दिखा दो, रिवर दिखा दो। और यहाँ पर कोसी रिवर पड़ती है 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप थोड़ा वॉक करके उतर के रिवर के पास, जैसे वो पत्थर से रहते हैं, उधर बैठ के आप रिवर इन्जॉय कर सकते हो। तो हम इसको लेके वहाँ निकल गए, बारिश रुकी थी तो हम थोड़ी देर के लिए निकल गए। तो जगह जगह रास्ते में सड़क पर पहाड़ों से पानी आ रहा था, उसका फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ। पहाड़ों में से रोड पर ये पानी देखिए आप, रोड के बीच में एक बार और हम आपको कोसी रिवर का जो है, जो पहाड़ों से इस समय ज़्यादा रेनफॉल के कारण जो हुआ है, थर्ड टाइम, कितनी ज़्यादा आप देखिए, जैसे 2-व्हीलर क्रॉस करना कितना मुश्किल है, तो ऊंची गाड़ी निकल सकती है, छोटी गाड़ी के लिए मुश्किल है। तब तो हम उसको मस्ती में ले रहे थे कि अरे वाह, ऐसा क्योंकि देखा नहीं है कि पहाड़ों में रोड पर ही पानी आ गया है बिल्कुल। और 3-4 जगह ऐसा हुआ, फाइनली एक जगह तो इतनी डेंजरस लगी कि हमने वहाँ से यूटर्न ले लिया और हम वापस आ गए। और तब हमें किसी ने बताया भी कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं और कई लोगों के घर डूब गए हैं, लोग अपने घर की छतों पे खड़े हैं। जो गांव वाला निचला इलाका होता है वहाँ पे उस रिवर में इतना उफान आ गया, इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके घरों के अंदर ही पानी घुस गया और कुछ है डेथ भी हुई है। इस गाँव में कुछ नुकसान हुआ है, यहाँ से जो है बहुत पानी बहने की वजह से ना गांव में काफ़ी पुलिस वगैरह खड़ी है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ पे नुकसान हो गया है, गांव पूरा बह गया है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ है। तो यहाँ पे कुछ जो गांव है ना, इधर ये जो गांव आप देख रहे हो, इधर कुछ नुकसान हुआ है इसको, ये ओवरफ्लड होने के कारण, नदी जो ओवरफ्लड हुई है। उनके घर है, घरों में फंस गए, उनके घरों में पानी भर गया था बिल्कुल। तो हम लोग अवेयर नहीं थे कि बादल फटा है, हमें नहीं पता था, हमें लगा कि वैसे ही बारिश आ रही है तो ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। तो जब मैं इस रिजॉर्ट में वापस आए तो रिजॉर्ट के ना दो पोर्शंस हैं, एक ही ऊपर की तरफ है, एक आगे जाके जहाँ स्विमिंग पूल है ना वो आगे जाकर थोड़ा सीढ़ियाँ उतर के है। तो कल रात को जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो मैं ये एरिया कैप्चर करने के लिए उतरी, पर अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तो मैं मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं इसको कवर करूँगी। तो मैं इसको जब रिजॉर्ट को कवर कर रही थी और हम उस एरिया में गए तो वहाँ सारा पानी, वहाँ पर भी कुछ कॉटेजेस हैं जहाँ पानी घुस गया था। तब हमें पता चला कि ऐसे बादल फटा है और इतना बुरा यहाँ हाल हुआ है। तो थैंक गॉड हम लोग सेफ हैं बिल्कुल, जबकि सिर्फ 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों जगह पानी बाढ़ या रास्ते बंद हैं, लेकिन हम लोग सेफ जगह पर हैं। और जो लोग नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ न्यूज़ सुनकर और सोच समझ कर ही आए। मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, हम घर नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोग ज़रा प्लान करके निकलें, 1-2 दिन के बाद ही आएँ, क्योंकि अब बारिश रुक गई है तो जितना भी पानी है वो धीरे धीरे तो सेटल हो ही जाएगा। तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, इतना नुकसान हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हम होटल में ही थे, उधर ही उस एरिया में ही घूमने जा रहे हैं और हम अवेयर ही नहीं थे, न्यूज़ पता नहीं मिस कर गए। हम लोग घर पे होते हैं तो न्यूज़ देखते रहते हैं, पर होटल में आता बंदा बाहर घूमने आता तो टीवी वगैरह मिस हो जाता है। तो बस यही बताना था आपको कि हम लोग सेफ़ हैं।